शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। तुर्की ने भारतीय गेहूं को ये कहते हुए लौटा दिया कि इसमें रूबेला वायरस पाया गया है। इसके बावजूद दुनिया के कई देशों में ही नहीं बल्कि घरेलू बाजार में भी गेहूं की मांग है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगे 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसका रेट खुले बाजार में MSP से ज़्यादा मिल रहा है। ई नाम के प्लेटफॉर्म पर 4 जून को कोटा ऑनलाइन बाजार में ये 3001 रुपये पर पहुंच गया। उधर कर्नाटक की बेलगाम मंडी में 5 जून को गेहूं का भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये। इस समय देश की ज़्यादातर मंडियों में गेहूं के दाम MSP से ज़्यादा चल रहे हैं। वहीं बता दें, खुले बाज़ार में गेहूं की मांग बनी रहेगी। नई आपूर्ति से पहले गेहूं की कीमत 2500 रुपये से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर रह सकती है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और गेहूं की कम उपज है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अब गेहूं बेचने के बजाय उसका भंडारण करने से किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में गेहूं की कमी है। उधर भारत सरकार ने तुर्की के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि कहां पे कितनी कीमत थी। तो मध्य प्रदेश के सीहोर में 5 जून को गेहूं का न्यूनतम भाव 1802 रुपये, औसतम 1900 रुपये और अधिकतम ये 3101 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं राजस्थान के कोटा में 4 जून को न्यूनतम भाव 1900 रुपये, औसत भाव 3001 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 3179 रुपये प्रति क्विंटल था। 4 जून को श्रीगंगानगर में गेहूं का न्यूनतम भाव 1960 रुपये प्रति क्विंटल था, औसतम कीमत ये 2011 रुपये थी, जबकि अधिकतम दर 2325 रुपये थी। बता दें, रिकॉर्ड निर्यात और कम उत्पादन को देखते हुए 13 मई को केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया था। ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादन 17.4% कम है, यूक्रेन में ये 34.9% और यूरोपीय संघ में 1.4% की गिरावट आई है। जहां तक भारत की बात है तो हीट वेव के कारण उत्पादन में कमी, करीब 36 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। वर्ष 2021-22 में गेहूं का कुल उत्पादन 106.41 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि 110 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। खुले बाजार में गेहूं की अच्छी कीमत के कारण केंद्र सरकार इस साल खरीद का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। इस साल सरकार ने 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब किसान गेहूं बेचने बाज़ार में नहीं आए तो इसे संशोधित कर 195 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। हालांकि 18 मई तक सरकार सिर्फ 181.25 लाख टन ही खरीद कर पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।